आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जांपल नंबर 11, ये पेज नंबर 84 पे है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। यानी कि हमारे पास में दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको 290 मिलता है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम कंसेक्यूटिव की बात करते हैं तो ये कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। अगर मैं कोई नंबर एक्स मान लेता हूँ, जब मुझे अगला नंबर चाहिए यानी कि और पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, तो मुझे उसमें क्या करना होता है, दो ऐड करना होता है, ना कि वन ऐड। जब मैं वन ऐड करूंगा तो वो इवन और ऑड इस तरीके से आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मेरा नंबर 2 था, जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन जब मेरा नंबर 2 था और इसमें मैंने 2 ऐड किया तो वो 4 आ जाएगा। जब मैंने 4 में 2 ऐड किया तो वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ऑड की बात करता हूं तो मान लीजिए मेरा 3 है, यानी 3 एक ऑड नंबर है, 3 में जब मैंने 2 ऐड किया तो 5 आएगा, और 5 में जब मैंने 2 ऐड किया तो 7 आएगा। यानी कि जब हम ऑड नंबर में 2 ऐड करेंगे तब हमें ऑड नंबर ही मिलने वाला है। तो इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम यूज करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द स्मॉलर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स। मैंने जो फर्स्ट नंबर था उसको एक्स मान लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, देन द सेकेंड इंटीजर विल बी एक्स प्लस। तो मेरा जो सेकंड नंबर है वो क्या हो चुका है, एक्स प्लस 2। आपको इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट दे रखा था उनका स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो देख लेते हैं, यहां हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये इक्वल होता है 290 के, तो हमने 290 को रख दिया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी। तो इस तरीके से हम इसको खोलने वाले हैं। तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहां पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, यहां हमने 4 लिख दिया, 2ab। तो 2 a की जगह पे क्या है, यहां पे x है और b की जगह पे यहां पे 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 2 से किया तो 4x। तो 4x हमारा यहां आ चुका है इज इक्वल टू 290। आगे देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया क्योंकि ये सेम टर्म है, तो ये ऐड हो गए तो हो गया 2x² प्लस 4x एज इट इज रखा। 290 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का 286 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का 4 है इज इक्वल्स टू 0। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि ये पूरी जो इक्वेशन है वो 2 से डिविजिबल है, यानी इसमें भी 2 से डिवाइड चला जाएगा, 4x में भी 2 से डिवाइड चला जाएगा और 286 में भी 2 से डिवाइड चला जाएगा। जब तीनों में डिवाइड चला जाएगा तो हमने 2 कॉमन लेकर के तीनों में डिवाइड कर दिया। तो हमारी इक्वेशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर, जब हम 2 का डिवाइड 4x में लगाया तो 2x, और जब 286 में लगाया तो 143। अब स्टूडेंट्स अब हमको इसके करने हैं फैक्टर्स, तो उसको अगले पेज पे देखते हैं। हमारी इक्वेशन जो थी वो आ चुकी थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से इसके रूट्स निकालने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है और हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। अगर स्टूडेंट्स आपने ये जो इक्वेशन निकालना कैसे निकालते हैं इन सबके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
अब हमको यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का और इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो यहाँ बी क्या है, बी हमारा 2 है, तो बी की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, माइनस हमारा फॉर्मूले में रहता है तो हमने माइनस लगा दिया, प्लस माइनस लगा दिया, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस की जगह हमने अभी माइनस ही लगाया। अब मैं आपको बता देता हूं ये वैल्यूज कैसे आएंगी, माइनस 4 ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 माना जाएगा, और सी की जगह पे क्या है, 143। ये है स्टूडेंट माइनस का, जब माइनस 143 का मल्टीप्लाई जब हम माइनस के 4 से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 572 अपॉन 2a, तो 2 की जगह हमारा 2 रहेगा और a की जगह पे क्या है हमारा 1 है, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारा इक्वेशन आ चुकी है। आगे देखते हैं, अब स्टूडेंट माइनस 2 की जगह माइनस 2 रख दिया, अब प्लस माइनस, तो यहां पे देखो 572 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये 576 आ जाएगा, तो 576 हमारा रूट में आ चुका है, और 576 किसका रूट होता है, तो ये 24 का रूट होता है, यानी कि 24 मल्टीप्लाई में 24 कितना होता है, ये हमारा होता है 576, तो रूट 576 को हम लिख सकते हैं 24। तो देख लेते हैं, तो माइनस 2 की जगह हमने माइनस 2 लिखा, प्लस माइनस 24 अपॉन 2, यानी कि 576 को हमने लिख दिया 24, ठीक है। अब स्टूडेंट एक बार हमको प्लस की वैल्यू लेनी होती है, एक बार माइनस की वैल्यू लेनी होती है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो जब हमने x इज इक्वल्स टू प्लस लिया तो देख लेते हैं क्या होगा, माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 2, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा 11। तो x की वैल्यू हमारी फर्स्ट आ चुकी है 11, एक बार जब हम माइनस लेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 माइनस 24 अपॉन 2 हो जाएगा, और माइनस 24 माइनस 2 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 26 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा माइनस 13। तो दोनों वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, थस द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर 11 एंड 13। तो यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, हम प्लस की वैल्यू को मानते हैं, तो प्लस की वैल्यू हमारी 11 है और नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 11 प्लस 2, तो हमारी 13 आ चुकी है। तो यहाँ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।